Bismillahirrahmanirrahim. So, the topic of today's session is entrepreneurial mindset. It was mentioned in the program that it's workshops, but we cannot have half an hour workshop. I'll try to make it a workshop like thing. But you know, for a workshop, it needs to be at least 3-4 hours long activity where participants can work on certain tasks. And they can, you know, if I give you some tasks, then you have to come up with a solution of those tasks. So let me give you a brief introduction of mine. I've been associated with IB for the past 15 years, and in industry it's almost 20 plus years in industry and academia. I've been providing training all across Pakistan, different part of Pakistan, different cities, almost all provinces, and including Kashmir. These are some of the program that, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I have launched in IBA, including Women Technology Entrepreneurship Program, Technology Ventures Program, Youth Camp, and one of my favorite, the Jara Boot Camp. Business from the perspective of Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wa sallam, from Islamic perspective. And these are some of my female students who have started businesses in Karachi and different part of Sindh province. And these are my favorite students, kids. You know, I love them. You know why I love them? Because they don't say no. Whenever I say something to them, do this, they always accept it and they do it like this. And I hope today's all the participants. Sir, फिर कुछ आ रही है शिकायत के शायद आवाज क्लियर नहीं है. If you could be a little louder. ठीक है, आवाज सही है. मैंने माइक को बिल्कुल करीब कर दिया है. जी जी, आप करीब. हाँ जी. Thank you so much. चलें, लेट्स बिगिन विद वन क्वेश्चन. तो ये तो कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी, अगर आप इंटरेक्ट सामने होते हैं तो आप लोगों से कुछ ये एक्टिविटीज में जरूर करवाता, क्योंकि ये बड़ा मजा आता है जब आप ये काम करते हैं ना. तो आपको पता चलता है कि लाइफ में सिर्फ यानी जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी अपनी जिंदगी. तो कभी जो आम लोग हैं उनका काम भी हम कर के देखें तो हमें समझ में आता है कि हाँ, वो काम भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है. लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड. आई होप एवरीबडी नोज अबाउट कोरोना. आई हैव टेकन दिस स्टैट्स फ्रॉम स्टैटिस्टा एंड 11th Feb 2020. और यू कैन सी हियर जो एज का ब्रैकेट दिया हुआ है 10 साल से लेकर 80 प्लस में, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो 80 प्लस वाले हैं, और दूसरे नंबर पे 70 टू 79 वाले, तीसरे नंबर पे 60s, और फिर नीचे अगर आप आते हैं तो हमें नजर आता है जो हमारी यूथ है वो लीस्ट अफेक्टेड है. अच्छा, मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अल्लाह ने हमसे कुछ काम कराने हैं, और ख़ास तौर पे हमारी यूथ से. तो अल्लाह मौका दे रहा है आपको कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना पीरियड से गुजर रही है, और अब हमें जो बच गए हैं, जो यूथ इस वक्त बाकी है, रोज़ाना हमें नज़र आता है कि कोई ना कोई इंतकाल हो रहा है. तो यूथ की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है. थोड़ी सी और मैं स्टैट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा. टेक क्रंच इज़ वन ऑफ द फेमस टेक्नोलॉजी मैगजीन. ये एनुअल इनके अवार्ड्स होते हैं. अच्छा, लास्ट डेकेड में इन्होंने जो अवार्ड्स दिए हैं उस अवार्ड्स की अगर एवरेज आप देखेंगे तो 31 इयर्स जो फाउंडर्स हैं उनकी एज, एवरेज एज 30. जी, आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? अच्छा जी, तो हमें और अगर थोड़ा सा देखें तो हमें नजर आ रहा है कि
US सेंसिस ब्यूरो की जो एवरेज एज है जो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स ने जितने भी कंपनीज स्टार्ट की हैं दैट इज 42 ईयर्स. और यहाँ पर अगर एज ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स देखें तो वी कैन सी कि 29 एंड यंगर हमें हाईएस्ट ग्रोथ स्टार्टअप एज नज़र आ रही है. सो यू कैन सी के जो यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है. And I was told by Aisha Sahiba ke I have to give you small workshop, half an hour workshop on youth perspective, entrepreneurship from youth perspective. So main isiliye thodi si tamheed maine bandhi hai ki aapko ye main bata dun ki you can do a lot. Ye sirf kehne ki baat nahi hai, ye stats bilkul real stats hain, inki source bhi maine isme mention ki hui hai. To aap का इस वक्त वक्त है और आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. अभी थोड़ी देर पहले किसी पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा था तो आई थॉट कि ये मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसको बहुत अच्छा आंसर किया. बट मैं चाहता हूं कि आप अपना पर्सपेक्टिव बयान करें. अच्छा अभी आपने जो चैट वाला ऑप्शन है ना इसमें उसको यूज करना है ठीक है. और चैट के ऑप्शन में आपने इसका आंसर देना है. मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ मैं इसको रिफ्रेस कर रहा हूँ ठीक है. और इसको व्हाई डू वी गो टू स्कूल दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ माइट वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे. क्योंकि अभी पुलकामा से एक साहब ने माशाल्लाह PhD कैंडिडेट हैं उन्होंने पूछा कि बच्चे अभी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको बड़े इश्यूज हो रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं वो बना पा रहे जिस तरह से वो लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं. तो ये सवाल मैं आपके सामने अगर रखता हूँ कि आप किस तरीके से अगर मैं आपको ये सवाल दूँ कि व्हाई डू वी गो टू स्कूल हम किस लिए जाते हैं और अगर हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको अगर हम स्कूल के बगैर सॉल्व करना चाहें हाउ माइट वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे. सो यू कैन यूज चैट ऑप्शन. आई एम गिविंग यू 60 seconds to answer this question कि आप अगर स्कूल जाते हैं और अभी आजकल नहीं जा रहे तो स्कूल में जो काम होता है उसको. इमरान भाई आपकी आवाज फिर कट रही है. अच्छा एक मिनट मैं जस्ट अन बड़ी जबरदस्त तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिले आ रहा होगा. आप ठीक है? थोड़ी सी बेहतर है. हाँ मैंने कनेक्शन चेंज किया है तो मैं 4G यूज कर रहा था तो मैंने अभी फाइबर ऑप्टिक पे कन्वर्ट कर दिया. ओके थैंक यू. हाँ जी जी मरियम कह रही आई कैन हियर क्लियरली. तो अब आप यहाँ पर जरा जल्दी से आंसर दें. अच्छा बिनते अजीज कह रही है वी गो टू स्कूल इन ऑर्डर टू एजुकेट आवर सेल्फ. अच्छा शाहनवाज साहब कह रहे हैं फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन आवर करिकुलम. ओके ग्रेट. और खलीक साहब कह रहे हैं कि टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड प्रोफेशनल. अच्छा जी प्रोफेशनल. और उम्मे खालिद कह रही हैं फॉर गेनिंग नॉलेज इन हैंड इन पर्सन विद फुलेस्ट ऑफ आवर 5 senses. अच्छा अब दूसरे सवाल पे आ जाए. हाउ माइट वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे बिकॉज हम अभी इस मसले के को देख रहे हैं कि सारे स्कूल्स बंद हैं. अब आप इसी स्कूल को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे एफिशिएंटली कि कंसंट्रेशन का इशू भी सॉल्व हो जाए. अस्मारा कह रही है सोशल ग्रूमिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. अच्छा जी तो अब एक आंसर आया है इट कैन बी सॉल्व इफ पेरेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू मेंटेन लर्निंग डेकोरम. ओके we go to school for physical learning. Ab aap second question pe aa jaye how might we solve that problem in a different way. Acha ilm ke zariye tasveer e kainat binte fatima aap sahi keh rahi hain lekin aap thoda creativity use kare ki agar mujhe school suppose school nahi khulte aur ilm hasil karna hai to main kis tarike se ilm apne bachchon ko ghar walon ko bayan kar matlab kis tarike se un bachchon ko main पहुंचाऊ. ये कोई पेन यूज कर रहा है मेरे ख्याल से. आप काइंडली मैसेज लिख दीजिएगा इस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है
चैट में लिखिएगा। जी सर आपकी आवाज फिर अनक्लियर है इमरान साहब। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। तो मैं आपको थोड़े से कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। अगर ये हमारी फिजिकल वन क्लासरूम होती या कोई हॉल होता या ऑडिटोरियम होते तो हम इसको लाइव इस आंसर को लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो हम उस चीज़ को अब लाइव किस तरीके से करते हैं मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूल का जो मेन मकसद है जो अभी तक आपने लिखा उसका मेन पॉइंट क्या है कि नॉलेज देना। सो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जिससे स्कूल को रिप्लेस कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम असल मकसद को समझें कि स्कूल सिर्फ बुक्स का नाम नहीं है, स्कूल सिर्फ होमवर्क का नाम नहीं है। स्कूल का मतलब है अगर आप वहाँ जाते हैं आप इल्म हासिल नहीं करते, सिर्फ कोर्स ख़त्म करते हैं और डिग्री आपको मिल जाती है, तो दैट इज़ नॉट द रियल स्कूल, ठीक है। तो इसको करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई हैव रिसेंटली ऑब्जर्व, एक 10 साल मैट्रिक पास एक साहब हैं और उनका नाम है मुबशिर सिद्दीक। मेरे ख्याल से सबने आजकल यूट्यूब पे देखा होगा या फेसबुक पे, उन्होंने विलेज करके कुछ किचन शुरू किया है, विलेज के अंदर बैठ के वो कुकिंग करते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर की उनकी अर्निंग, लास्ट ईयर उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, उनकी पर मंथ अर्निंग अराउंड ऑन एवरेज 3 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग है। एक मैट्रिक पास शख्स जो कि गांव में रहता है, जिसके वालिद एक ड्राइवर थे, उसने सिर्फ ये देखा कि उसने जो कुछ सीखा अपनी वालदा से सीखा, यानी कोई भी चीज़ जो वो उस वीडियो में बना रहा है उसने स्कूल से नहीं सीखी। उसने कहा कि मैंने जितने भी खाने बनाने सीखे वो सारी अपनी वालदा से सीखे, और वो मैं वीडियो बना के अपने आम से मोबाइल से डालना मैंने शुरू कर दिया। एंड देन ही स्टार्टेड अर्निंग 300,000 Pakistani rupees पर मंथ। कैन यू इमेजिन अ मैट्रिक पास पर्सन कैन अर्न 300,000 rupees पर मंथ, यानी एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी उसकी स्टार्टिंग सैलरी 100,000 नहीं होती, और वो ग्रेजुअली वो काम करते करते अब उसकी माशाल्लाह ही इज अर्निंग अराउंड 1 million अ मंथ विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। तो आपको आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो मैंने आपसे पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, इफ यू कुड डू एनीथिंग दैट बेनिफिट द सोसाइटी व्हाट वुड यू डू। चैट में टाइप कीजिए कि अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट हासिल हो तो वो क्या काम होगा। I'm giving you 60 seconds for this. Use chat option and type if you could do anything that will benefit the society, what would you do? The chat option istemal kijiye. Acha ji, motivational speaker और बैन टिकटॉक। असलम साहब कह रहे हैं कि आई शेयर फी मोटिवेशनल रिसोर्सेस। अब्बास साहब कह रहे हैं आई शेयर माय स्किल्स। उम्मे खालिद कह रही हैं काउंसलिंग। और जियाउल आबिदीन शाह कह रहे हैं इक्वलाइज दी स्टैंडर्ड। अच्छा, मरियम कह रही हैं एम्पावर वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। राबिल, अच्छा कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे राबील आप? अच्छा, यूट्यूबिंग करेंगे, तालीम और तरबियत करेंगे, स्मॉल वर्कशॉप्स फॉर किड। तो ये कुछ आंसर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक पूरा फ्रेमवर्क है। हमने पिछले कुछ 10-15 साल में अपने इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स बनाए हैं और उसमें से ये एक फ्रेमवर्क है, मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर इन आंसर्स को जो आपने अभी दिए हैं इस फ्रेमवर्क की लाइट में, इसकी रोशनी में आप देखिएगा कि क्या वाकई में जो आपने लिखा है वो
सही लिखा है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कोई भी काम करने आप जाएंगे, सो यू हैव टू फाइंड द इंस्पिरेशन। आप जज्बाती हो के कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो काम अगर आपको टच नहीं कर रहा, आपके दिल को छू रहा नहीं है, और आपको वो कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं दे रहा, तो मे भी आप 2-3 दिन बाद उस काम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसकी इंस्पिरेशन हासिल करें कि वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। यानी दैट व्हाई एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन दिस व्हाई। के इंस्पिरेशन बताएं कि वो जो भी आपने लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा वी गो, यानी हम लर्निंग ग्रोथ करेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, यूट्यूबिंग करेंगे। तो ये जितने भी काम हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, आप वो काम बता रहे हैं, ठीक है। कोई इंस्पिरेशन अगर जब तक आप नहीं बताएंगे, तब तक वो काम नहीं हो सकता। सो यू हैव टू फाइंड एन इंस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर इस्मा ने लिखा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, बहुत अच्छी बात है ये लफ्ज कहना, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसको फॉलो करना, यानी इस चीज को अडॉप्ट करना, इट टेक्स टाइम। अच्छा, सेकेंड थिंग इज क्रिएटिंग सॉल्यूशन, यानी जब आप इंस्पिरेशन हासिल कर लें तो फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। यू डोंट वेट फॉर कि हाँ कोई आके मुझे हेल्प करेगा और कोई मुझे उसका सॉल्यूशन देगा। तो मैंने एक टाइटल में थोड़ी सी चेंजेस की थी, मैंने कहा था कि उसमें एंटरप्रेन्योरियल थॉट एंड एक्शन। हम अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है ना, सोच में लगा देते हैं और बहुत कम वक्त हम एक्शन में लगाते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली नाम है थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने का। यानी जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उसको अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे, आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो जो भी आपके जहन में सोच है उसको एक्शन में कन्वर्ट करें। उस एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वो टाइमलाइन क्या होगी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट में हम एक चीज़ पढ़ाते हैं स्मार्ट, यानी हम जो भी काम करें वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उस काम को हम मेजर कर सकें, स्पेसिफिक मेजरेबल। वो काम ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, वो काम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट हो, और उस काम को टाइम के साथ जोड़ दें। कि सपोज आप जो काम, अगर कोई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं तो एक टाइमलाइन सेट करें और बता दें कि मुझे अगले 4 वीक्स में ये काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 वीक्स में क्या करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 वीक्स में क्या करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 वीक्स में क्या करना है। तो जैसे ही आप टाइमलाइन सेट करेंगे तो आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और आप ऑर्गेनाइज हो के स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले जाएंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं इस वक्त, एंटरप्रेन्योरियल थॉट एंड एक्शन, यानी आप जो भी सोचते हैं उसको एक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। उस एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने काम को स्मार्ट बनाएंगे, यानी वो स्पेसिफिक होगा, यानी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या काम करना है आपने। और सिर्फ क्लैरिटी नहीं, उसको कैसे मेजर करेंगे कि आपका काम वो क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उस काम को हमें ये देखना पड़ेगा कि आप जज्बात में आके कोई ऐसी चीज़ कमिट तो नहीं कर रहे जो अचीवेबल ही नहीं है, और वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। कि अगर आपने एक काम सोचा है और उस काम के अंदर एक्टिविटीज, तो वो आपके लिए रेलेवेंट हो। अब रेलेवेंट कैसे होगा उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और हर उस काम को जो आप करने जा रहे हैं उसको छोटे छोटे टाइम के साथ अटैच कर दें, 2 वीक्स, 1 वीक, 4 वीक। इसमें एक स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंट्स क्या होते हैं, ये 15 दिन के और 7 दिन के कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक दिन का स्प्रिंट भी होता है। यानी आपने अपने एक एक मिनट को इम्पॉर्टेंट समझना है, और एक दिन में आपने क्या चीज़ करनी है, तो आपके जो 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं या 24 आवर्स हैं उसको कैसे प्लान करना है, या 7 डेज जो वीक में है उसको कैसे प्लान करना है, या 2 वीक्स, या 15 डेज फोर्टनाइट
जो स्प्रिंट डिजाइन करना है तो उसमें आप क्या एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो आपने उसको सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो चैट पे लिख दें और एक्नॉलेज करें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको। अगर आपको कोई सवाल है तो यहीं पर इसी पे टाइप कर दें चैट में। चलें, ग्रेट, इस्मान शानवास का फीडबैक आ गया कि दे आर गेटिंग इट। अच्छा जी, एग्जैक्टली मरियम, एज फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक या रेलिवेंट, रियलिस्टिक दोनों कहते हैं, और टाइम टाइम बाउंड, टाइम स्पेसिफिक के बजाय टाइम बाउंड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इसको टाइम बाउंड ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, स्मार्ट अगेन बिनते फातिमा कह रही है कि आप स्मार्ट को दोबारा बता दें। मैं स्पेसिफिक, इसमें जो स्पेसिफिक है मैं उसको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल मैं अभी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा, इस फ्रेमवर्क को मैं एक्सप्लेन कर दूँ पहले। अच्छा, अभी आपने जो मैंने आपसे पूछा था कि वो क्या काम है जो आप करें तो जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, ओके, तो आपने बहुत सारे काम सेलेक्ट किए। अब मैं आपको ये फ्रेमवर्क दूसरा बताने जा रहा हूँ कि किस क्राइटेरिया से आप चेक करेंगे। अच्छा, उमर फारूक ने कहा स्टार्टअप के मनी ना, क्या कह रहे हैं, स्टार्टअप की मनी नहीं होती है, अच्छा पैसे नहीं होते, क्या कहना चाह रहे हैं उमर फारूक, आप दोबारा टाइप कीजिएगा। अच्छा, सईद ने कहा स्प्रिंट क्या होते हैं, बेटा स्प्रिंट ये होते हैं, हम जैसे सुबह फजर में उठे और आजकल सूरज जो तुलू हो रहा है वो तकरीबन 5:50 पे है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये एएम। आप उठे लेट से यानी सुबह जल्दी उठ गए आप 5:00, ठीक है, आपने 5:50 को कैसे गुजारना है, ठीक है, नमाज का वक्त, और ये तुलू आफ्ताब का वक्त है। अब तुलू आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तकरीबन कराची में हो रहा है 7:24 पर, ये है पूरे, इसको हम कहते हैं डे, जब सूरज निकल जाता है, ठीक है। उमर, मैं आपका आंसर देता हूं अभी। उमर ने पूछा है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं होते तो क्या करें, आमिर ने भी यही कहा है कि सेम प्रॉब्लम विद वुमेन, मैं इसका आंसर अभी आपको देता हूं, पहले स्प्रिंट समझ लें। अच्छा, अब ये जो आपके पास लेट से मैं 5:50 के बजाय इसको 6:00 कर देता हूं और एएम और इसको 7:00 कर देता हूं पीएम, तो 6:00 से लेकर 7:00 तक आपके पास ऑलमोस्ट 13 hours हैं, इसको मैं वर्किंग आवर्स कह रहा हूँ, ठीक है। रात क्योंकि अल्लाह ने सोने के लिए दिया, आराम के लिए दिए, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें घर में थोड़ा सा, और बकिया जो वर्किंग आवर्स हैं, अब इस 13 hours को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान करना है, ठीक है। अब आपने इस तरह से प्लान करना है कि शुरू इसको मैं अगर लेट से 3-3 hours में या 2-2 hours में डिवाइड कर देता हूँ, या लेट से अगर मैं इसको पहले 2 hours में मुझे क्या करना है, ठीक है, फिर अगले 2 hours में क्या करना है, तो सो ऑन सो फोर्थ। तो अब मैं एक्टिविटी जब इसके साथ लगाऊंगा तो वो मुझे 2 hours में वो काम कंप्लीट करना है। तो स्प्रिंट एक समझें, आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं, उस चैलेंज को 2 hours में आपने पूरा करना है, ठीक है, और फिर अगला 2 hours का चैलेंज पूरा करना है। आप देखिएगा आपको वो 13 hours इतने खास लगेंगे और उन 13 hours में आप इतना सारा कुछ कर लेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि क्या मैं वाकई में 13 hours को इतना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, हो सकता है पहले दिन आपको क्योंकि आदत नहीं है मुश्किल हो, लेकिन आपने घबराना नहीं है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है घबराना नहीं है, लेकिन मैं जिस घबराने की बात कर रहा हूँ कि वाकई में आपने परेशान नहीं होना है। फर्स्ट डे आपको मुश्किल होगी क्योंकि आप, हो सकता है बहुत सारे लोग आराम तबीयत वाले होते हैं तो उनको काम में आने में टाइम लगता है, उनके मसल्स को वार्म अप होने में टाइम लगता है। जैसे जिम में हम जाते हैं तो जिम में जाके भी हमें पहले दिन ही वो फौरन, हमें नहीं कहते कि 20 या 25 का डंबल उठाए तो हमें कहते हैं 1 kg, 2 kg, 5 kg, 4 kg, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको वेट बढ़ाते हैं। तो आपने क्या करना है, शुरू के दिनों में अपने आप को थोड़ा थोड़ा काम देना है और वो काम बढ़ाते जाएं।
जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये जो आवर्स के ऊपर जो पाबंदी लग रही है कि 2 घंटे में ये काम आपने कंप्लीट करना है, इसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में स्प्रिंट। ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में बताया, कोई टेक्निकल चीज इसमें नहीं डाली, वरना इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी मैं बता सकता था। ठीक है, तो आपने अपने आप को चैलेंज देना है कि 2 घंटे में ये काम मैंने करना है, फिर अगले 2 घंटे में काम करना है। अच्छा, जहां आपको लगे आप थक रहे हैं तो थोड़ा सा 15 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक ले लें, थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर ले लें। अपने आप को आपने डैमेज नहीं करना है, मसल्स को डैमेज नहीं करना है, मेंटल और फिजिकल मसल्स को आपने बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे आप काम के आदी होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीजें बहुत अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये क्या कह रही बिनते फातिमा की तंजीम है वक्त, तो मैं खुद वर्कशॉप करवाती हूँ ट्रेनर्स के तौर पर, सर कारोबार को डिजिटल करना नहीं आ रहा। मैं भी बेटा बताता हूँ आपको, मैं पहले स्प्रिंट का जवाब जो मैंने बताया समझ में आया कि आप 1 दिन को पहले प्लान करें, फिर 2 दिन को प्लान करें, फिर 3 दिन को प्लान करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप पूरे वीक को प्लान करना सीख जाएंगे, और इसी तरह से फिर वो आप पूरे 15 दिन को प्लान करेंगे, फिर महीने को प्लान करेंगे। तो अपने मामलात को थोड़ा प्लान करें। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको अपने घंटों की और मिनट्स की आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसकी क्या अहमियत है। अब आते हैं उस सवाल पे कि भाई पैसे नहीं है तो क्या करें। पहले आइए इस स्लाइड को समझते हैं, इसी स्लाइड से उसका आंसर देते हैं आपको। ठीक है, कि पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो फिर बिजनेस शुरू होगा, नहीं होंगे तो कैसे शुरू करें। और दूसरा, बिनते फातिमा ने कहा कि भाई मैं बिजनेस को किस तरीके से चलाऊं। आइए जरा इस फ्रेमवर्क को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम बनी हुई है। पहला क्राइटेरिया है कि वो काम करें जो आपको काम आता हो, सही है, क्योंकि इंसान को स्किल बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो आप जो आपकी स्किल बनी हुई है, जो आप ऑलरेडी किसी काम को जानते हैं, उस काम से आप शुरू करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुड एट। अच्छा, अगर वो काम आपको पसंद भी है, यानी आपका पैशन भी है, बॉर्न टू डू, यानी आप उसको बहुत ही समझते हैं कि इसके बगैर ये तो आपका दिल के बहुत करीब है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन दैट केस यू विल बी हैप्पी। अच्छा, बट पुअर, यानी आप देखें गुड एट और बॉर्न टू डू का मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन किया, तो मुझे नजर आया मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आता है, मेरा पैशन है, और वो काम मुझे आता भी है। अच्छा, अगर वो तीसरा काम भी हो जाए कि लोग मुझे उसके पैसे दे दें, तो ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला हो जाएगा विन। लेकिन अगर एक काम मुझे आता है और लोग पैसे देते हैं लेकिन वो मेरा पैशन नहीं है, तो मैं अमीर तो होऊंगा लेकिन मैं बोर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसा मुमकिन है, लोगों के साथ होता है ऐसा। अच्छा, एक और सिनेरियो है कि लोग पैसे देंगे और मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया, मेरा पैशन है लेकिन मुझे वो आता नहीं है वो काम, तो हम ऐसे चीज को कहते हैं इट्स जस्ट अ ड्रीम, एक ख्याल है और वो हकीकत नहीं है। तो हमारे तजर्बात से ये बात सामने आई कि जो कामयाब लोग हमें जो नजर आए वो लोग नजर आए जिन्होंने वो काम शुरू किया अच्छा, अब आ रही आवाज, ये किसी ने म्यूट कर दिया था, ओके सॉरी। तो अब यहाँ पर, यानी आप जो कामयाब लोग हमने देखा दुनिया में, वो उन्होंने वो काम शुरू किया जो उनको आता था या उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ था, और बहुत सारे काम उनको आते थे और बहुत सारे सीखे हुए थे, उसमें से वो पिक कर लिया जिसमें उनको मजा भी आता था। तो करते करते क्या हुआ, लोगों ने उसी काम को शुरू में पैसे नहीं दिए लेकिन बाद में उन्होंने कहा यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लिए आप काम करेंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो लोगों की जो हमने स्टार्टअप जर्नी देखी वो इसी तरह से शुरू हुई कि उन्होंने शुरू में फ्री में काम करना शुरू किया और करते करते लोगों ने फिर उनको पैसे देना शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे यहाँ अभी अजान नहीं हुई है, शायद वहाँ पर आपके इलाके में हो रही होगी, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब जरा इसको समझने की कोशिश करें कि जो हमें यहाँ पर चीज़ नज़र आई
कि आपने वो काम शुरू करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है? तो उससे आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है, जो आपकी स्टार्टअप जर्नी है वो जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है? वरना आपको बड़ा टाइम लगेगा। आपकी स्टार्टअप जर्नी उसी सूरत में जल्दी शुरू होगी जब कि जब आप वो काम शुरू करें जो आपको बहुत अच्छा आता है, और अगर आपको उसमें मजा भी आता है तो दैट विल बी अ प्लस, ठीक है? और आप शुरू में बेशक बहुत ज्यादा मुनाफा चार्ज ना करें, ऐसा ऐसा जब आप काम करना शुरू करेंगे लोग आपको पैसे देंगे और आपका एक ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, काम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई आपके साथ भी हो, कौन आपके साथ होगा? शुरू में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टीम सिलेक्ट करें, ऐसी टीम सिलेक्ट करें जो आपके मुख्तलिफ कामों को देख सकें, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं उन एरियाज के लोग ले लें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उस काम को खुद कर लें शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता क्या आप देखेंगे कि आपका काम वो बहुत आसानी से एक उस मकाम पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आप उसे देखना चाहते हैं। जैसे बिनते फातिमा साहिबा ने कहा था कि भाई मैं तो ट्रेनिंग करवाती हूँ लेकिन मैं अभी बिजनेस में मुझे इश्यूज हो रहे हैं, तो वो इश्यूज इसलिए होते हैं कि हम अपने जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कम करते हैं, और हम जब इसकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं करते और उस काम को इंजॉय नहीं करते तो होता क्या है, वो उसका डिक्लाइन आ जाता है। अच्छा, ये सबके साथ नहीं है, हो सकता है आप सीखती भी हो और काम भी करती हो लेकिन इश्यूज हमें नजर आते हैं। एनीवेज, तो टाइम शायद मेरा मुकम्मल हो गया है क्योंकि आयशा साहब ने कहा कि रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिससे आपको जिंदगी में बहुत फायदा हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें कि जो भी काम आपको बहुत अच्छा आता है उससे शुरू करें, और ये परवाह मत करें कि आप को लोग पैसे देंगे या नहीं, और काम को लोगों से शेयर करना शुरू कर दें। अच्छा, बिनते फातिमा कह रही है मेरा जज्बा है, तो अच्छा अब इसमें ना केस टू केस वैरी होता है। मे बी इस सेशन में आपका मैं शायद पूरा आंसर ना दे सकूं, हम अलहदा क्योंकि हम आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एज वेल, तो हम फिर वन टू वन मीटिंग करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मे बी आपकी प्रॉब्लम वो कोई इतनी बड़ी ना हो, उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग करने के बाद वो मसला हल हो सके। आप अगर उसको सही तरीके से बयान करेंगी तो हो सकता है मैं अभी उसका कुछ जवाब दे दूं, लेकिन हम ऑफलाइन भी इसको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए आप की प्रेजेंस का होना भी बहुत जरूरी है। प्रेजेंस का मतलब हम एक चीज कहते हैं कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट क्या होता है, हम जो चीज करने जा रहे हैं हमें ये अंदाजा नहीं होता कि हम किस कस्टमर सेगमेंट के लिए ये काम करने जा रहे हैं, यानी एक्चुअली हमारे वो कौन से कस्टमर। जी प्लीज, ये आयशा साहिबा मेरे ख्याल से इन्होंने कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, तो अगर ये उसमें डाल देंगे तो वहां पर हम आपसे क्वेश्चंस ले लेंगे। जी बिल्कुल बिनते फातिमा, आप डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि ये जो कस्टमर सेगमेंट है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा कस्टमर सेगमेंट कौन सा है। हम सारी जिंदगी एफर्ट करते रहते हैं लेकिन अगर हमारा वो जो काम है वो उस शख्स तक पहुंचे ही ना कि जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं, तो फिर हमें बड़ी उस मुश्किलात होती हैं। और दूसरी बात, आपकी प्रेजेंस, जैसे मैंने कहा कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप लोगों तक अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आप शेयर करें और आप उनको बताएं कि ये काम मैंने किया, आप बताइए इस पे कि ये कैसा काम हुआ है। अच्छा, कोई ना कोई उनके सर्कल में ऐसा शख्स जरूर होगा जिसको आपका काम, आपके काम की जरूरत होगी, और जैसे जैसे आप अपना सर्कल बढ़ाती रहेंगी तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि जो आप काम कर रही हैं वो उसके कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपके काम की जरूरत है। जी मोहम्मद खलीक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको मैंने अनम्यूट किया, आप पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। जी खलील साहब, मोहम्मद खलीक साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगी कि बेशक इमरान साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि आप शुरू में जो है वो
अपने बिजनेसेस के लिए ये ना सोचें कि आप उसमें क्या आपको रिटर्न्स मिल रही हैं, और ये सच्ची बात है, सारी रिटर्न्स कैश में नहीं आती, बहुत सी काइंड में भी आती हैं और जरूर आती हैं, लेकिन हम आपके सामने स्किलर्स के जरिए से ऐसे बच्चों को भी लेकर आएंगे। डॉक्टर इमरान साहब के पास बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत थोड़े सरमाए के साथ शुरू किया हुआ है, ऐसी बच्चियां भी हैं जिन्होंने सिर्फ स्किल्स सीखी हैं, जो भी आप फ्रीलांसिंग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं और फिर अपने बिजनेसेस को डेवलप किया है। तो इनपुट जितना आप देंगे, इंशाल्लाह जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। इस बात पे बिल्कुल अपना यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। असल बात ये कि आज आपका जहन बनाया जाए, आपको जहन साजी की जाए कि एनीबडी कैन स्टार्ट अ बिजनेस। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, खलीक साहब ने पूछा एग्जाम्पल। खलीक साहब मेरा एक स्टूडेंट है, मैं बहुत ऐसी एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जो आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई में ये हो सकता है। कोई 4 साल पहले कश्मीर में हमने पहली वर्कशॉप की। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम एजे के, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वहाँ प्रोफेसर हैं, वो हमारी वर्कशॉप कराची में अटेंड करके गए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर में आएँ और ट्रेनिंग करें। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, लोगों का कहना था बड़े हालात ख़राब हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा खैर हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ जाते हैं, अल्लाह आसानी करेंगे। आप यकीन करें वहाँ पर बच्चे इतने, जैसे होता है ना प्यासा, उसको पानी चाहिए होता है, वो इतना रिस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरे 2 दिन की वर्कशॉप थी, एक दिन मेरी नीलम वैली में थी, एक दिन मुजफ्फराबाद में थी। वो मेरा समझें कि फजर के बाद से शुरू होता था सवेरे, और रात को कोई 12 बजे तक, 1 बजे तक वो सेशन के बाद भी मेरे साथ होते थे। सो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्या काम आता है। तो वो उस वक्त रेंटा कार की गाड़ी चलाता था सिर्फ, ठीक है। उसका एक पैशन था, उसको तस्वीरें और वीडियो बनाने का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा बेटा आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से शुरू कर लें, जैसे कि मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया। अच्छा, उनके प्रोफेसर ने कहा कि भाई तुम कोई एक काम करो। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, ये सवाल थोड़ा सा आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपकी हर एक का ना मुख्तलिफ मिजाज होता है। कुछ लोगों को बहुत सारे काम करने में मजा आता है, किसी को एक काम, तो उसको बहुत सारे काम करने में मजा आता था। तो मैंने कहा बेटा आप जो भी काम आपको आते हैं उन काम से आप एक या दो काम जो अच्छे काम आते हैं शुरू कर लें। तो उसने क्या किया, रेंटा कार के साथ साथ उसने टूरिज्म की एक छोटी सी कंपनी बनाई, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में ही रजिस्टर की, और उस कंपनी से उस बच्चे ने अपना घर बनाया, ज़मीनें खरीदी, और माशाल्लाह अब यानी लास्ट टाइम जब उसने मुझे कॉल की थी लास्ट ईयर, तो ही टोल्ड मी के पिछले समर की बात है। उसने कहा सर पिछले 3 महीने की मेरी अर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2.5 मिलियन 3 महीने में अर्न किया है। और वो थैंक यू के लिए उसने कॉल की थी, और बहुत बहुत ही हम्बल बच्चा है और बहुत मेहनती है। और उसने कहा सर अभी मेरे पास फॉरेन डेलीगेट आ रहा है, और वो मेरे पास इंशाल्लाह अगले 20-25 दिन के लिए है, और उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1.5 मिलियन का हुआ है। सो जस्ट इमेजिन, एक ऐसा बच्चा जिसको सिर्फ 2-3 चीज़ें आती थी, कैमरे का इस्तेमाल आता था और गाड़ी चलानी आती थी, सिर्फ उसने क्या किया, एक मैंने चीज़ उसको बताई और उसने उस बात को इस तरह से पकड़ लिया कि मैंने छोड़ना नहीं है। और ये फ्रेमवर्क जो आपके सामने मैंने रखा है, इसी को सामने रखते हुए जो उसके पास सलाहियतें थी उन सलाहियतों को उसने इस्तेमाल किया। और माशाल्लाह आज अभी मैंने जब लॉकडाउन हुआ था कोविड का, तो उस लॉकडाउन के अंदर मैंने उसको कॉल की, तो मैंने कहा बेटा मैंने सुना है कि पीसी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दिया गया, तो हम उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमने एक प्लान बनाया। तो उसने कहा सर मैंने अब वहाँ पर जो कश्मीर की ज़मीनें हैं ना, उन ज़मीनों पे अभी काम शुरू कर दिया। अब आप देखें, क्योंकि बच्चे को फ्रेमवर्क समझ में आ गया है ना, अब उसने देखा लॉकडाउन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ज़मीन है, जो चीज़ है, क्योंकि गाड़ियाँ बंद, टूरिज्म बंद, तो उसने वो काम करना शुरू कर दिया और वहां पर वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर दी। तो आपको सारी जिंदगी कोई एक ही काम पेश नहीं रहना। आई होप इट्स क्लियर। आप तो आयशा साहिबा, अगर किसी और का कोई सवाल है, एक दो सवाल मैं और ले लेता हूँ, शॉर्ट आंसर दे दूंगा। जी आई जी थिंक इट्स गुड इनफ फॉर टुडे।
हाँ जी, और आपसे इंशाल्लाह सर दोबारा भी रब्ता रहेगा। और ये अभी शेख सैफ ने हमें ज्वाइन किया है, ये थोड़ा अच्छा सा बिल्कुल मैं टाइम एक एक लेंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे आयशा साहब, ये मैंने जी आखिरी जी में एक स्लाइड बनाई थी कि आप लोगों को अभी कोविड के अंदर जो इस वक्त करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये स्लाइड में मैंने बताया कि डिजिटल स्कूलिंग, और आपको पता है इस वक्त इम्यूनिटी का बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है, और हम जो डाइट ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक डाइट का बिजनेस ई स्पोर्ट सियालकोट स्पोर्ट के लिए मशहूर है, से आयशा साहिबा जहाँ पर है, तो ई स्पोर्ट अगर वहाँ शुरू कर सकें वहाँ के लोग, डिजिटल हेल्थ केयर, ऑनलाइन हेल्थ काउंसलिंग, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग इसको ज़रा बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, और वो अपने आप को प्रूव करने पे कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आई वुड से डोंट प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। तो दैट्स माई फाइनल वर्ड्स, सी यू इंशाल्लाह। हमारा प्लान है, आयशा साहिबा ने कुछ प्लान किया है कि नेक्स्ट 4 वीक्स में कोई कोर्स, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर कंप्लीट कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑफर कर दें, तो फिर ये कि हम हैंड होल्डिंग कर सकेंगे, हम इनको उस जगह पे लेके जा सकेंगे कि जहाँ पर ये जाना चाहते हैं। तो यहीं पर मैं अपने इस स्मॉल वर्कशॉप का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमने आज सीखा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और कोई चीज़ अगर मैंने गलत सिखाई है तो अल्लाह आपके दिमागों से वो निकाल दे, और जो सही है वो आपके दिमाग में बिठा दे, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।